इससे पे भाई मैंने जब केक रखा बनने के लिए किंग्स वाली फील आ रही है मुझे, बस ताज का जो फर्क है दो मजा आ रहा है। भाई मैंने जो केक बनाया था हम तक पहुंच चुका है। ओ नेहा ना, ओए नहीं बुरी बात, गंदा बेबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैर फिर होंगे। आज की व्लॉग में आप शामिल कहते हैं, मैं हुराना सलीम। वक्त हो चुका है करीब 3:30 का, अफतारी के लिए बुला रहे हैं उस साइड पे। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जब वो तमाम परेशान लोग के परेशान दूर करें। अगर सर आप लोग परेशान है तो अपने परेशान को कुछ टाइम के लिए बुलाएं और करते हैं आज का व्लॉग एंजॉय। आसिम और माविया गहरी नींद में इस टाइम, इनको एक बार उठाते हैं और उसके बाद चलते हैं हम सहरी करने के लिए। अगर ये उठ के तो वेल एंड गुड, ना उठे तो फिर इनके मामा आके इन्हें खुद ही उठा लेंगे डंडे के साथ। माविया रोजा रखना है, उठ जाओ, फिर टाइम हो गया। और आसिम को भी उठा दो जी, ये पड़ा सारा कुछ, हम लगे हैं सोने, इसलिए नहीं उठना मेरे कहने पे। इसकी मामा ही आके इसको उठाएंगे। अब तवा चूल्हे पे पहुंच गया है, कैसा थी आज, ठीक ही है। और जी मक्खन की कोली कल जो निकाल रही थी अम्मी जान, मक्खन ये निकला जो कि माशाल्लाह रोटियों में लगना भी शुरू हो गया, मजेदार। और यहाँ पे तैयारी है जी चाय की, और दही भी माशाल्लाह कितना मजे का फिर से जमा हुआ आज। ये था जी हमारा किचन का टूर और खाने की जो सारी चीजें पड़ी हुई यहाँ पे। और अभी हम चलते हैं जाके बैठते हैं सोफे के ऊपर और वहां पे बैठ के इंशाल्लाह हम लोग करेंगे सहरी आज की। अल्हम्दुलिल्लाह जी दही हमारे पास पहुंच चुका है, शक्कर का जार भी पहुंच चुका है, और ये आ गई हमारे पास रोटी। दही पे डालते हैं शक्कर और शुरू करते हैं अपनी सहरी अल्लाह ताला का नाम लेके। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो अच्छे से सहरी कर लिया और अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ, चाय का जो है वो उधर जाके वेट करते हैं। भाई जो है वो अभी आए हैं। सर इतना लेट, मैं लेट नहीं हूँ, आप जल्दी में थे। वैसे वाकई मैंने जो है वो सहरी थोड़ी जल्दी कर ली है क्योंकि अभी भी जाओ हमारे पास तकरीबन 50 मिनट बाकी हैं। मावे साहब जो अभी तक सो रहे हैं, लगता है इसका आज इरादा नहीं रोजा रखने का। रोजा नहीं रखना लड़के, रोजा नहीं रखना, उठो फिर, सहरी के टाइम खत्म होने में 40 मिनट बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास आ चुकी है चाय। अल्हम्दुलिल्लाह अफतारी की तैयारियां जो है वो जोर शोर से जा रही है। वक्त जो है वो करीब 6 होने वाला है। इस चूल्हे पे भाई मैंने जो है वो केक रखा बनने के लिए, माशाल्लाह इस पे बन रहा है आलू मटर का सालन, और इसके अंदर जो है वो पकौड़े बन रहे हैं भाई की रेसिपी को फॉलो करते हुए। इसके अलावा मेरी नजर पड़ी थी पतीले के ऊपर, उसके अंदर बिरयानी या पुलाव भी था, वो तो इंशाल्लाह आपको दूसरे फार्म पे दिखाएंगे। और आज पता नहीं क्या बता, तबीयत ऐसे से बुखार बुखार सा हो रहा, पता नहीं क्या बनता, आप देखिए। और भैजमत लगे हुए वेटिंग मूड पे क्योंकि भैजमत का केक जो है वो और बारिश आज फिर से जो काफी तेज हो रही है और काफी टाइम से हो रही है। और अब्दुल्ला साहब भी बाहर आ गए हैं बारिश देखने के लिए। बारिश में मजा आ रहा है अब्दुल्ला को, कितना दो मजा आ रहा है, एक वो। वैसे ये बारिश देख के तो एक गाना याद आ रहा है, रिम जिम पहन दिया करिया, बड़ा मजे का सॉन्ग था वो भी। अब्दुल्ला नहाने लगा बारिश में, तो आ जाओ अंदर, अब बहुत है इतना ठंड है, इतना बहुत नहा लिया, अब आ जाओ अंदर। और क्या करना ना आके, ओए नहीं ओए गंदा पानी, अंदर आ जाओ, मैं दर्जा बंद करने लगा फिर। और नहीं नहाना, ओए नहीं बुरी बात, गंदा बेबी, मैं दरवाजा बंद कर रहा फिर आप नहाओ बाहर ही। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पे हम पहुंच चुके हैं, हमारे पास आज की है जी चाट, साथ में जी पकौड़े और रायता। मेरी तबीयत चूंकि थोड़ी थोड़ी अपसेट है, मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने जब कंबल शोल्डर्स के ऊपर रख लिया, और बिल्कुल एक वो किंग्स वाली फील आ रही है मुझे, बस ताज का जो फर्क है। हम इंजॉय करते हैं चाट और साथ में पकौड़े मिक्स करके। भाई मैंने जो केक बनाया था हम तक पहुंच चुका है, और अभी जब मैं उसको खा रहा हूँ बड़ा मजे का बना हुआ है, बड़ा मजे का नरम नरम, और तकरीबन हर चीज जो बिल्कुल पूरी है, बहुत मजे का बना हुआ है माशाल्लाह। अजान इशा स्टार्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ चुका हूँ कमरे में, और मैं आते साथ जब वो कंबल के अंदर घुस गया था क्योंकि मुझे जब वो हल्की हल्की ठंड फील हो रही थी। चावल माशाल्लाह हमारे पास आ चुके हैं, खुशबू इनमें से माशाल्लाह बहुत ही मजे की आ रही है। और जी ये आ गया नमकीन गोश्त जो भाई शौकत बना रहे थे, और जी माशाल्लाह ये रहा हमारा सूप जो हमारे स्टार्टर के तौर पे आया हमारे पास, और भाई शौकत भी आ गया मुझे कंपनी देने के लिए, तो हम जब वो मिलकर सूप इंजॉय करते हैं। भाई शौकत ने वैसे खाना खा लिया, मैंने चावल नहीं खाया था, इसलिए मैं जब साथ चावल और साथ सूप और साथ बोटियां खाऊंगा इंशाल्लाह।
कल शाम से जो है वो तबीयत काफी ज्यादा खराब लग रही थी और बुखार जो है वो अजीब सा हो गया हुआ था, ऐसे सारा जिस्म जो है वो दर्द शुरू हो गया हुआ था। लेकिन अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बेहतर फील कर रहा हूँ मैं। सुबह सहरी भी जो है मैंने चाय पी की थी, उठने का दिल ही नहीं कर रहा था क्योंकि बॉडी में जो है वो पेन फील हो रही थी मुझे। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर चक्कर भी लगा के आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काफी बेहतर फील हो रहा है। वक्त हमारे पास हो चुका है करीब 4 का। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नई और मजा वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए भी लाजमी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका भी हमें नासिर हो, सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।